नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट। आइए ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की तरफ। डॉक्टर साहब, दिल्ली के अंदर एक विकट समस्या से लोग जूझ रहे हैं प्रदूषण की, तो कैसे उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या क्या सरकारों से आप अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से, और आम लोग उसके ऊपर कैसे करें, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, इसके लिए जिम्मेवार तो हर व्यक्ति है, जनता भी है और दूसरा सरकार, केंद्र सरकार भी है और दिल्ली सरकार भी है। तो उसमें मैं ये चाहता हूँ, एक जहाँ तक जनता का सवाल है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए तो काफ़ी हद तक प्राइवेट गाड़ियाँ कम चलने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। और उसके लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार है, उस पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए और इतना अच्छा बनाना चाहिए। मैं बाहर के देशों में कई जगह गया हूँ, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि लोग खुद ही उसमें जाना चाहते हैं। अगर यहाँ भी ऐसा सिस्टम हो जाए तो यहाँ भी जो है लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उससे काफ़ी कम हो जाएगा। और दूसरा, जैसे एक देखने में आया है कि हरियाणा पंजाब से जो पराली जलाई जाती है, जो उसका धुआं दिल्ली पे आता है, तो उसके लिए जो भी केंद्र सरकार को स्टेप लेने हैं वो लेने चाहिए, ताकि किसानों को जो उसका सही मुआवजा मिल जाए और वो पराली जला ले नहीं और पराली को कहीं और इस्तेमाल किया जाए, तो उससे पोल्यूशन बहुत कम हो सकता है। तो इस मौसम में, जैसे ठंड का मौसम है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ विशेष रूप से बच्चे और बुज़ुर्ग, वो ख़ास तौर से जब ठंड ज़्यादा होती है वो सुबह नहीं निकलें, और अगर बाहर निकले हैं थोड़ा मुंह ढक के रहें। और ख़ास तौर से जो अभी हम वैसे अक्सर कहते हैं योगा है, ब्रीद एक्सरसाइज है, लेकिन इस मौसम में हम उसके लिए आपको नहीं कहना चाहेंगे, जब मौसम ठीक हो तभी डीप ब्रीदिंग या योगा टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो विशेष तौर से आपके पास आते हैं, किस टाइप से आते हैं और क्या उनको बीमारी होती है और कैसे क्या उपचार करते हैं? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि माँ बाप से बच्चों में आता है। हालांकि बच्चे जब पैदा होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, 2-4-6 महीने में उनके खून की कमी नज़र आनी शुरू हो जाती है, और जो खून की कमी होती है वो किसी दवाई, टॉनिक, इंजेक्शन से उसको फ़ायदा नहीं होता, और उसका एक ही रास्ता होता है, उसको जीवन भर ब्लड चढ़ाया जाए। शुरू में महीने एक बार चढ़ता है, फिर 20-25 दिन, और बड़ा होने तक उसको हर 2 हफ्ते में 2 बोतल ब्लड की चलानी पड़ती है। और ब्लड चलाने की सबसे बड़ी समस्या आती है, ब्लड मिलता नहीं है, लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV खतरा रहता है, प्लस ब्लड चलाने से उनके आयरन बढ़ जाता है, आयरन की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लिवर, हार्ट फेल होने से उसकी जल्दी मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। अगर उनको पूरा इलाज मिले, यानी कि समय पर पूरा ब्लड मिलता रहे और जो दवाइयाँ चाहिए जो आयरन निकालने की या और जो दवाइयाँ हैं वो पूरी मिलती रहें, तो उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक होती है। और आजकल हमारे पास ऐसे थैलेसीमिया मेजर हैं जो कि 40-45-50 साल के भी हैं, उनके पढ़े लिखे हैं, उनके डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, IAS हैं, शादियां हुई हैं, उनके बच्चे हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक तो समाज का सपोर्ट चाहिए ताकि लोग ब्लड डोनेशन में आगे आएँ, और सरकार की सहायता चाहिए कि ताकि उनको दवाइयाँ फ्री मिले। लेकिन सबसे मुख्य कारण जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि क्योंकि ये बीमारी माँ बाप से बच्चों में आती है, तो इसको हम रोकने का एक जो जरिया है वो माँ बाप का जो है शादी से पहले, यानी कि जब वो लड़का लड़की होते हैं, शादी नहीं होती, या शादी के बाद अभी गर्भधारण से पहले दोनों लड़का लड़की की, हस्बैंड वाइफ की, थैलेसीमिया कैरियर की जाँच होनी चाहिए। अगर वो कैरियर नहीं है तो उनके बच्चे में रोग कभी नहीं जाएगा। एक कैरियर है, एक नहीं है, तब भी रोग नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो हर गर्भावस्था में उनको 25% संभावना है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा, जिसको ज़िंदगी भर ब्लड चलाना पड़ेगा। 50% संभावना है कि बच्चा माँ बाप की तरह स्वस्थ होगा लेकिन वो कैरियर जीन रख सकता है, और 25% संभावना है कि बच्चे में बिल्कुल थैलेसीमिया जीन नहीं होगा। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि भारत के अंदर करीब 4%, यानी कि 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो थैलेसीमिया कैरियर हैं, इसलिए हर लड़का लड़की को शादी से पहले या शादी के बाद गर्भधारण से पहले अपनी थैलेसीमिया की जांच अवश्य करानी चाहिए। यदि दोनों थैलेसीमिया कैरियर हैं तो 10 सप्ताह की आप गर्भावस्था में हम भ्रूण की जाँच करके बता सकते हैं कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया रोगी है या नहीं। रोगी है तो उसका गर्भपात करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल वैधानिक है, और अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वस्थ के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो भी बीमारी को हम रोक सकते हैं, चाहे वो थैलेसीमिया है, चाहे हम जैसे हमने पोलियो को रोका है,
इसी तरह से अगर हम उसको किसी के डायबिटीज़ है तो उसको पहले से क्योर किया जाए, ऐसी कंडीशन ना पैदा की जाए कि शुगर का कंट्रोल नहीं करके उसको आँखों की बीमारी है या दिल की बीमारी है या किडनी फेलर है, ऐसे रोग आ सकें। तो जो भी प्रिवेंटिव स्टेज है अगर वो हम लेंगे तो बीमारियों को बहुत अच्छा हम रोक सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए अपना चैनल न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।